नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स की। और जनरली ऐसा होता है कि बहुत बार हम लॉ की पढ़ाई करते रहते हैं और हमें इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता कि लॉयर कौन होता है, बैरिस्टर क्या है, एडवोकेट क्या है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। तो इन्हीं छोटे छोटे टर्म्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का कंटेंट होने वाला है, उस कंटेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉयर कौन है, बैरिस्टर कौन है, एडवोकेट किसे कहते हैं, एडवोकेट जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है और गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है, या इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉयर के बारे में। लॉयर यानी कि वकील। एनी लॉ ग्रेजुएट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट जिसने अपने 3 वर्ष की पढ़ाई या 5 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट कर ली हो, 3 वर्ष की पढ़ाई यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद आपने LLB में दाखिला ले लिया। LLB करने के बाद जब आपकी LLB की डिग्री आपको मिल जाती है तब आपको लॉयर कहा जाता है। इसी तरह से जो लोग 5 ईयर कोर्सेज में हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्टली BA LLB का कोर्स ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद जब उनको डिग्री मिल जाती है तो उन्हें लॉयर कहते हैं। क्या लॉयर किसी भी केसेस को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी केसेस इन द कोर्ट। लॉयर की तरह ही हम लोग बात करेंगे बैरिस्टर के बारे में। लॉयर और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस है? जब कोई व्यक्ति अपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरा करता है, यानी कि अगर आपने लॉ की डिग्री इंग्लैंड से ले रखी है, तो आपको जो डिग्री मिलती है उस डिग्री के अकॉर्डिंगली आप बैरिस्टर होते हैं। जैसे इंडिया में लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद लोग लॉयर बन जाते हैं, उसी तरह से इंग्लैंड से अगर आपने डिग्री ली तो आप बैरिस्टर बन जाते हैं। ही आर सी कैन नॉट रिप्रेजेंट केसेस इन द कोर्ट। लॉयर की तरह बैरिस्टर भी अपने केसेस को या दूसरों के केसेस को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। आइए बात करते हैं एडवोकेट की, यानी कि अधिवक्ता की। एडवोकेट कौन होता है? जब कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम कंप्लीट कर लेता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे देती है, तब वो लॉयर एडवोकेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो एडवोकेट कोर्ट के अंदर अपने केसेस को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के केसेस को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एडवोकेट वो होता है जिसके पास जो BCI के थ्रू रजिस्टर्ड हो, एग्जाम को पास करके उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गई हो। तो एक एडवोकेट कोर्ट के अंदर किसी भी पक्षकार का केस रिप्रेजेंट कर सकता है। हम लोग बात करेंगे एडवोकेट जनरल की, जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल। सभी स्टेट गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करती है उनके स्टेट के लिए। और ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये लोग स्टेट के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये स्टेट के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो अगर हमारे स्टेट को भी किसी लीगल मैटर पे कोई एडवाइस चाहिए होती है तो हमारे स्टेट लीगल मैटर पे एडवाइस के लिए एडवोकेट जनरल से एडवाइस ले सकता है। बात करेंगे हम लोग अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की। जिस तरह से आपने देखा कि एडवोकेट जनरल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करती है और ये अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये किसी भी केसेस को, जो सेंट्रल का कोई केस होता है उसको कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, जिस तरह से एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है, उसी तरह से अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है। अगर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर पे कोई एडवाइस चाहिए तो वो महान्यायवादी से कांटेक्ट कर सकता है और महान्यायवादी उस लीगल मैटर पे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है एडवाइस, उसके बारे में उसको एडवाइस दे सकता है या देगा। हम लोग अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल की, तो सॉलिसिटर जनरल को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और ये अपॉइंटमेंट सॉलिसिटर जनरल का अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए होता है। यानी कि सॉलिसिटर जनरल की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो
अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करे उनके किसी भी केसेस के लिए। इनको सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कहते हैं। ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है उसको सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कहते हैं। आपको पता है अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, यानी कि सरकारी वकील। सरकारी वकील कौन होता है? तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो वहां पे सरकारी वकील होते हैं। तो सरकारी वकील होता क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको कब कहते हैं? जब कोई ऐसा अधिवक्ता जो स्टेट के द्वारा नियुक्त किया गया है किसी भी कोर्ट, पर्टिकुलर कोर्ट में, और वो किसी भी विक्टिम का केस, क्रिमिनल केसेस में किसी भी विक्टिम की तरफ से जब वो केस लड़ता है तो उसे हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर भी सरकारी वकील होता है, लेकिन गवर्नमेंट प्लीडर में यहां पे भी स्टेट की तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त होता है हर एक कोर्ट में, और गवर्नमेंट प्लीडर उसको तब कहते हैं जब वो सिविल केसेस को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की तरफ से, पीड़िता की तरफ से या पीड़ित की तरफ से। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको आज हमने दी, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन डिफरेंसेस को समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।